नमस्कार, मैं हूं साधना सिंह और आप देख रहे हैं IBN 9 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। मध्य प्रदेश की चयनित 15 एंट्रीज में से इंदौर के ही 8 कॉलेज हैं जिन्होंने फिनाले के लिए क्वालिफाई किया है। बाहर सीरीज के अंतिम कुछ एडिशंस के लिए मध्य प्रदेश की अधिकतम एंट्रीज इंदौर शहर से हैं। इंदौर के कॉलेजों ने पिछले कुछ सालों में फिनाले में कई अवार्ड जीते हैं। प्रत्येक वर्ष की तरह इंदौर नेटट्रिप सुविधा पर नेटट्रिक्स पर हजारों छात्रों को होस्ट कर रहा है, जो बाहा एसएई इंडिया 2020 की सफलता के लिए एकत्रित रूप से काम करेंगे। बाहा एसएई इंडिया की सबसे अनोखी बात यह है कि वह हर साल एक नई थीम लेकर आता है। इस साल बाहा 2020 की थीम है ब्रेकिंग कन्वेंशन, जिसका जश्न बाहा मनाता है। यह टीम पूरी तरह से अवधारणाओं को चुनौती देने के बारे में है, जिसे इबाहा या एक ऑल गर्ल टीम कहें। इस साल हमारे पास टोटली 253 टीम्स हैं, जिसमें 80 टीम वहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं पंजाब में, और बाकी के जो टीम्स हैं वहाँ यहाँ पीतामपुर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। किस प्रकार का ट्रैक रहने वाला है और पिछली बार से इस बार क्या अनुभव? पिछली बार का ट्रैक जो था वो हमने एक 5 किलोमीटर्स का ट्रैक बनाए थे, मगर उसमें ऑब्स्टिकल्स हम ज़्यादा दे नहीं पाए बिकॉज वो टेरेन ऐसा था जिसमें हम ज़्यादा काम नहीं कर पाए। इस बार हमने ट्रैक को पूरे मैट्रिक्स के अंदर एक नवा लोकेशन में लेके गए हैं, जहाँ दो एडवांटेज है। एक तो एकदम सिक्लूडेड हो जाता है, सेफ्टी हो जाता है, और उसके अलावा ये ट्रैक्स में हम कई सारे ऑब्स्टिकल्स डेवलप करने के लिए हमको एक मौका मिला है, जिसमें कार का जो रगेडनेस है, कार का जो डिज़ाइन है, ये सारा और अच्छा टेस्ट होगा। खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ IBN 9 न्यूज़ में। मैं हूँ आपके साथ साधना सिंह।